हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। बहुत ही ईजी एंड सिंपल सी रेसिपी है लौकी के कोफ्ते, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे इसे बनाते समय, जिससे कि कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लौकी को जो है छील लिया था, कद्दूकस कर लिया, उसका रस निकाल के रख लिया। और रस जो है वो हम लोग सब्जी बनाते समय यूज़ करेंगे। तो साथ ही इसमें मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे चॉप कर लिया है। और साथ ही मैंने इसमें डाला है एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आधे चम्मच मैंने डाली इसमें हल्दी, आधे चम्मच इसमें डाली मैंने लाल मिर्च, साथ ही इसमें आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी एक कटी हुई हरी मिर्च और पिसा हुआ जीरा, साबुत जीरा एक चम्मच। और साथ ही हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच में पहले बेसन डाल रही हूँ। बेसन डाल के हम पहले बाइंड करके देखेंगे, अगर हमारा जो घोल है वो अच्छे से बाइंड हो रहा है और अच्छे से कोफ्ते बन रहे हैं तो हम और बेसन ऐड नहीं करेंगे, और अगर हमें लग रहा है कि बेसन को ऐड करने की ज़रूरत है तो मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो यहाँ हम लोग एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन को, उसके बाद हम देखते हैं इसका। तो ये मुझे थोड़ा गीला लग रहा था इसलिए मैं इसमें 2-3 चम्मच बेसन और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 स्पून चम्मच और ऐड किया है। अब हम यहाँ पे कोफ्ते बना के देखते हैं सब कुछ मिक्स करने के बाद, अगर अभी भी कम लगेगा तो हम थोड़ा बहुत और ऐड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोफ्ते बनाना। तो मैं यहाँ पे कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दी। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में डाला है नमक। नमक को हम लास्ट में ही डालेंगे, अगर आप पहले डाल देंगे तो जो लौकी है वो पानी छोड़ देगी, जिससे ये कोफ्ते जो है फिर से वो बाइंड नहीं होंगे, गीला हो जाएगा सारा पेस्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कोफ्ते बनाना। तो अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्ते का साइज़ आप देख ले अपने हिसाब से कैसे बनाना है आपको। तो इस तरीके से आप, मैं गोल पेड़ी बना रही हूँ, तो गोल लड्डू की तरह हमें सारे कोफ्ते बना लेने हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे जो है कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए इसे हम अब फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ जो तेल है पहले से ही हाई फ्लेम पर गैस पर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। अब इसको हम लो मीडियम पर रख के कोफ्तों को फ्राई करेंगे, और लो गैस पर ही करना है, जिससे कि कोफ्ते जो है अंदर तक सिक जाएँ और अच्छा सा इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो उसको आप गैस को बिल्कुल भी मीडियम से लो तक ही रखना, इससे ज़्यादा ऊपर हाई मत करना, नहीं तो जो है कोफ्ते अंदर से पकेंगे नहीं, बाहर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से पकेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम सारे कोफ्ते जो है फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इतना अच्छे से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, इसको थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे और अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो कोफ्ते देखिए अच्छे से हमारे जो है फ्राई हो चुके, तो हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करी बनाना। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल रखा था, तो इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको हमने पेस्ट बना लिया था, और इसको अच्छे से अब हम लोग 1-2 मिनट तक भून लेंगे। तो प्याज जो है हमारी अच्छे से सोटे हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो है प्याज वो अच्छे से सोटे हो चुकी है। यहाँ डाल देंगे हम 4 टमाटर मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, उसकी प्यूरी, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे नमक, टमाटर के बाद नमक डालेंगे, टमाटर जो है जल्दी से पक जाता है। तो इसके बाद हम अपना रेगुलर मसाले जो हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच, आधी चम्मच जो है हल्दी डाल दी, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से अपना स्पाइस रख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए। और ये देखिए तेल बिल्कुल जो है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मसाले से, तो जो है हमारा मसाला है वो थोड़ा सा हमारा अच्छे से पक चुका है। तो देख सकते हैं आप ऑयल कितने अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है। यहाँ मैं डाल दूँगी 1 कप पानी, आपको तरी जैसी भी रखनी है आप उसी हिसाब से पानी इसमें ऐड करें, कोफ्तों के अकॉर्डिंग आप देख लें कि पानी, क्योंकि कोफ्ते बनने के बाद ही करी को जो है वो सोख लेते हैं, तो इस हिसाब से आप पानी डालें इसमें। तो मैंने यहाँ पे जो है आधा आधा कप करके 1 कप पानी डाल दिया, और इसको मैं कोफ्ते डाल दिए मैंने, और इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं इसे हम पकाएंगे, ये तो कोफ्ते जो है सोगे हो जाएंगे। तो इसको हम 5 मिनट के लिए देखिए ढक के हमने पका लिया इसको। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे गर्म मसाला, हरी मिर्च, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं हरी मिर्च, यहाँ पे आप धनिया वगैरह सब डाल सकते हैं, गरम मसाला, धनिया, और यहाँ पे आपने हींग भी डाल सकते हैं 1 पिंच। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी डाली है थोड़ी सी भुनी हुई। अब इसको इस तरीके से आप मिक्स कर दें अच्छे से, बहुत ज़्यादा वैसे हाथों से नहीं करना, बहुत सॉफ्टली, और इसको 2-3 मिनट तक आप छोड़ देंगे ताकि जो मसाले का जो एरोमा है वो सब्ज़ी में आ जाए अच्छे से।
तो हमारी जो है सब्जी देखिए बिल्कुल कोफ्ते बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेसन, अगर आप कोफ्ते बनाते समय बेसन बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो जो कोफ्ते हैं वो टाइट हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कोफ्ते हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।